शहीद मलिक बिदला कासी को जो तकरीबन एक महीने से अगवाकारों ने किली कतीर कुचला इलाके में अगवाकारों ने अगवा कर लिया और पाँच तारीख को उसकी लाश सराना से उसकी लाश मिले हैं। तकरीबन अवामी नेशनल पार्टी ने यहाँ हम वफ्त भेज रहे थे, 6 महीने से हम लोगों ने पार्टी की दो रुकन को शहीद हुआ है। पहले असद खान अचगजी रास्ते चमन से रास्ते में अगवा किया और अब उसकी लाश मिले, अवामी नेशनल पार्टी की लाश मिले और बाद में आज कल बिदला कासी शहीद किया और अवामी नेशनल पार्टी ने इसकी लाश मिले। और तकरीबन हम सूबाई हुकूमत से गुजारिश करते हैं और ये कि बिदला कासी के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए और जिन कातिलों को गिरफ्तार किया उसको सज़ा दी जाए। बस हम ये मुतालबा करते हैं हुकूमत से। और आखिर में एक बार फिर शहीद बिदला कासी को खारिज इकदत पेश करती हूँ और उसके लाहौकीन को अल्लाह सबर दे और अल्लाह उसको जन्नत फिरदौस में जगह दे। शुक्रिया आया अच्छा बात करना चाहते, ठीक है जी। जेरे साहब, मैं कासी जिन्हें मुरखा 26 जून 2021 को नामालूम मुस्लिम अगवाकारों ने किले कतीर कुचला से गन पॉइंट पर अगवा किया था। मुरखा 5 अगस्त 2021 को तावान ना मिलने पर अगवाकारों की जानिब से उन्हें इंतहाई बेदर्दी से शहीद किया गया, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। लिहाजा ये ऐवान मौसूफ की बेहमाना शहादत का ना सिर्फ फरजोर अल्फाज में मजम्मत करता है बल्कि हुकूमत से मुतालबा भी करता है कि इस वाक़े में मलूस तमाम करदारों कातलों को बेनकाब करते हुए इनको फुरी गिरफ्तार और उन्हें करार वाकई सज़ा दी जाए ताकि आइंदा इस ऐसा किस्म की वाक़ियात रोनमा ना हो सके। नीज़ ये हम सब ऐवान में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुहरम को जन्नत फिरदौस में अला मकाम दे और लाहौकीन को सब्र जमील अता फरमाएं। मुश्तरका करारदाद पेश हुई। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।